खबर टोंक जिले से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नामांकन रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए शहर के दीनदयाल उपाध्याय मंडल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर चर्चा की। साथ ही इस बैठक में पदाधिकारियों को 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं का लक्ष्य दिया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए सुखबीर सिंह ने जौनापुरिया में कहा कि कांग्रेस में अराजकता का माहौल है और कोई प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। टोंक से कजोट गुर्जर की रिपोर्ट। हम बैठक कर रहे हैं आज यहाँ भी शहर के अंदर में दोनों मंडलों में आज बैठक हुई है। बैठक में कार्यकर्ताओं को सभी जिम्मेदारी दी जा रही है। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने सबको बताया है कि 2 तारीख के लिए हम कितने गेट लगाएंगे, क्या क्या तैयारी करेंगे, उस तैयारी को लेकर चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ 2 तारीख को करीब 20,000 की संख्या में हमने लोग बुलाए हैं, तो मैं समझता हूँ उसकी तैयारी के लिए तो करना पड़ेगा उसके बारे में। तो टोंक के 8 विधानसभा कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन, स्वागतार पुष्प वर्षा, इसके कार्यक्रम को भव्य कैसे बनाया जाए इसके लेकर एक बैठक की तैयारी बैठक थी और निश्चित है कि कार्यकर्ताओं का जोश इससे लगता है कि 2 तारीख का नामांकन की रैली का जो 20,000 की संख्या का लक्ष्य लिया है उससे भी आगे ज़्यादा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आने वाले हैं।